जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस या अर्धसैनिक बल की सभी फोर्सेस की फुल फॉर्म के बारे में। आज हम आपके लिए बताएंगे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले आ जाता है बीएसएफ, इसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में से सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के बाद हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सीमा रक्षा करने वाली सेनाओं में से एक माना जाता है इसे। नेक्स्ट आ जाता है सीआरपीएफ, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हिंदी में आप बोल सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मतलब सीआरपीएफ। ये भारतीय संघ का केंद्रीय पुलिस बल है, जिसकी स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है आईटीबीपी, जिसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बोलते हैं, हिंदी में भारत सीमा पुलिस बल भी बोला जाता है। इसकी स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। नेक्स्ट है एसएसबी, इसके लिए हिंदी में सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 1963 में चीनी आक्रमण के बाद हुई थी। नेक्स्ट है सीआईएसएफ, सीआईएसएफ को हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोलते हैं और इंग्लिश में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है एसएसएफ, सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, अर्थात सचिवालय सुरक्षा बल। नेक्स्ट है आसाम राइफल्स, जिसको आसाम राइफल्स ही बोलते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट में आपके लिए ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई, हिंदी में से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी बोलते हैं। एनसीवी, एनसीवी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोला जाता है।